तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नर्स तैयारी में आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेशल क्लास के मेंटल हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो कि आपके अपकमिंग स्टाफ नर्स एग्जाम में आ सकते हैं तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन तो है हमारा नर्स मोनेट इज केयरिंग फॉर फीमेल क्लाइंट हु हैज ए सुसाइडल टेंडेंसी वैन अ द क्लाइंट टू द रेस्ट रूम नर्स मोनेट फूड तो ऑप्शन है गिव हर प्राइवेसी अलाउ हर टू यूरिनेट ओपन द विंडो एंड अलाउ हर टू गेट सम फ्रेश एयर एंड ऑब्जर्व हर तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी ऑब्जर्व हम हम पेशेंट को ऑब्जर्व करेंगे बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है अ क्लाइंट इज एक्सपीरियंसिंग एनजाइटी अटैक द मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन फूड इंक्लूड तो एक क्लाइंट को एनजाइटी अटैक एक्सपीरियंस हो रहा है तो सबसे पहले मोस्ट अप्रोप्रियट्स हम क्या करेंगे तो ऑप्शन है ऑफ द क्लाइंट टू प्ले विथ टर्निंग ऑन द टेलीविजन स्टेइंग विद द क्लाइंट एंड स्पीकिंग इन शॉर्ट सेंटेंसेस एंड लिविंग द क्लाइंट अलोन और इसका जो राइट right आंसर है वह है ऑप्शन सी स्टेइंग विद द क्लाइंट एंड स्पीकिंग इन शॉर्ट सेंटेंसेस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ ट्वेंटी ईयर ओल्ड क्लाइंट वाई डायगनोज विद डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर which behavior is not most likely to be evidence of ineffective individual coping so option inability to make choices and decision with advice avoiding revelation showing interest in solitary activities recurrent self destructive behavior showing interest in solitary activities and the right answer of this question is uh, inability to make choice and decision without advice agala question hai नर्स क्लेयर इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट डायग्नोस विथ विलीमिया द मोस्ट अप्रोप्रियट इनिशियल गोल फॉर अ क्लाइंट डायग्नोसड विथ इज़ ऑप्शन है अवॉइड फॉपिंग प्लेंटी ऑफ ग्रोसरीज इट ओनली थ्री मील फॉर डे आइडेंटिफाई एनजाइटी काजिंग सिचुएशंस इनकरेज टू अवॉयड फूड और इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी आइडेंटिफाई एनजाइटी काजिंग सिचुएशंस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट इज एडमिनिस्टर्ड टू अ क्लाइंट बिफोर ई सी टी थेरेपी द नर्स वुड केयरफुली ऑब्जर्व द क्लाइंट फॉर तो ऑप्शन है फीजर्स डिजीनेस नोजिया एंड वॉमिटिंग रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज और इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अट्वेंटी अटर्टी नाइन ईयर ओल्ड मदर विथ ऑबेिक कंपल्सिव डिसऑर्डर हैज़ बिकम इमोबिलाईज बाय हर इलाबरेट हैंड वॉशिंग एंड वॉकिंग रिचुअल्स नर्स ट्रीज रिकॉगनाइज एट द बेसिक डिसऑर्डर इज ऑफ एंड तो ऑप्शन है प्रॉब्लम्स विद एंगर एंड रिमोर्स फीलिंग ऑफ गिल्ट एंड इनएडिक्सी फीलिंग ऑफ अनवर्दीनेस एंड होपलेसनेस और इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी प्रॉब्लम्स विध एंगर एंड रिमोर्स आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट टू यूज विथ अ क्लाइंट सफरिंग फ्राम नार्सिस्टिक पर्सनलिटी डिसऑर्डर वेन डिस्प्रेंस एग्जिट बिटवीन दट द क्लाइंट स्टेट्स एंड वाट एक्जली एग्जिस्ट और इसका जो राइट आंसर है वह है सपोर्टिव कॉन्फ्रटेशन रैशनलाइजेशन कंसिस्टेंसी और इसका जो राइट right आंसर है वह है सपोर्टिव इन कंफ्रमशन आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग फूड वुड द नर्स ट्रिप एलिमिनेट फ्राम द डाइट ऑफ ए क्लाइंट इन एल्कोहल विड्रॉल ऑप्शन है रेगुलर कॉफी सोडा औरेंज जूस मिल्क और इसका जो राइट right आंसर है वह है रेगुलर कॉफी आगे बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है वेन टीचिंग पेरेंट्स अबाउट चाइल्ड हुड डिप्रेशन नर्स ट्रेना फूड से ऑप्शन है इन शॉर्ट ऑन ड्यूरेशन एंड रिजॉल्ड ईजली डज नॉट रिस्पॉन्ड टू कन्वेंसनल ट्रीटमेंट इट मे अपीयर एक्टिंग आउट बिहेवियर लुक आलमोस्ट आइडेंटिकल टू एडल्ट डिप्रेशन और इसका जो राइट आंसर है वह है इट मे अपीयर एक्टिंग आउट बिहेवियर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नर्स पेरी इज अवेयर डेट लैंग्वेज डेवलपमेंट इज ऑटिस्टिक चाइल्ड रिजम बल्फ ऑप्शन है स्कैनिंग स्पीच स्पीच लैग सटरिंग इकोलेलिया और इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी इकोलेलिया नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फिफ्टी ईयर ओल्ड फीमेल क्लाइंट हु लिव एलोन टेल्स द नर्स एट द कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आई रियली डोंट नीड एनी वन टू टॉक टू द टी वी इज माई बेस्ट फ्रेंड द नस रिकोगनाइज डेट द क्लाइंट इज़ यूजिंग द डिफेंस मैकेनिज्म नोन एच ऑप्शन है सब्लिमेशन डिस्प्लेसमेंट, प्रोजेक्शन डेनियल और इसका जो राइट आंसर है वह है डेनियल आगे बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है नर्स बेंजी इज कम्युनिकेटिंग विद क्लाइंट इंड्यूस्ड द क्लाइंट कैन नॉट रिमेंबर फैक्ट्स एंड फिल इन द दैप्स विद इमेजनरी इंफॉर्मेशन नर्स बेंजी इज अवेयर डेट दिस इज टिपिकल ऑफ ऑप्शन है कॉन्टिजम कॉन्फार्बुलेशन असोसिएटिव लूजनेस फ्लाइट ऑफ आइडियाज और इसका जो राइट आंसर है वह है कन्फार्बुलेशन आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन हमारा टू फर्दर अ क्लाइंट सुसाइडल पोटेंशियल नर्स कैटरीना फुड बी स्पेशली अलर्ट टू द क्लाइंट एक्सप्रेशन ऑफ ऑप्शन है फ्रस्ट्रेशन एंड फियर ऑफ डेथ एंगर एंड रिफेंटमेंट एनजाइटी एंड लॉनलीस एंड हेल्पलेसनेस एंड होपलेसनेस और इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी हेल्प एंड होपलेसनेस आगे बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है वह है आर ट्वेंटी थ्री ईयर ओल्ड क्लाइंट हैज़ बिन एडमिटेड विथ ए डायगनोसिस ऑफ फिजोफ्रेनिया नर्स यस इट्स मार्च मार्च इज लिटिल वुमेन डेट्स लिटल यू नो दिस ऑप्शन है लूजिंग ऑफ एसोसिएशन फ्लाइट ऑफ आइडिया एक एंड न्योलॉजिसम्स और इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए लूजिंग ऑफ एसोसिएशन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नर्स टीना इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विथ डिप्रेशन हैज नॉट रिस्पॉन्डेड टू एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन द नर्स एंटीसिपेट्स डेट वाट ट्रीटमेंट प्रोसीजर में बी प्रेस्क्राइब ऑप्शन है इलेक्ट्रोकॉन्वल्जिव थेरेपी साइको सर्जरी शॉर्ट टर्म सिक्लूजन न्यूरोलेप्टिक मेडिकेशन और इसका जो राइट आंसर है वह है इलेक्ट्रोकॉनवोलजिप थेरेपी आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा मारियो इज एडमिटेड टू डा इमरजेंसी रूम विथ ड्रग इंक्लूडेड एनजाइटी रिलेटेड टू ओवर इंजेक्शन ऑफ प्रेसक्राइड एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन द मोस्ट important पीस ऑफ इंफॉर्मेशन द नर्स इन चार्ज फूड ऑप्टेन इन इज द ऑप्शन है नेम ऑफ द नियरेस्ट रिलेटिव एंड डियर फोन नंबर रीजन फॉर द सुसाइड नेम ऑफ द इंजेस्टेड मेडिकेशन एंड द अमाउंट इंजेस्टेड लेंथ ऑफ टाइम ऑन द मेड ऑप्शन है जो सही है वह है नेम ऑफ द इंजेस्टेड मेडिकेशन एंड द अमाउंट इंजेस्टेड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच द फॉलोइंग अप्रोचेस वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट टू यूज अ क्लाइंट सफरिंग फ्रामिस्टिकलिटी डिसऑर्डर एग्जिस्ट बिटवीन वाट वाज द क्लाइंट स्टेट एंड वाट एक्चुअली एग्जिस्ट ऑप्शन है कंसिस्टेंसी सपोर्टिव कंफ्रांसन लिमिट फेटिंग रैशनलाइजेशन और इसका जो राइट आंसर है वह yes, you know, है ऑप्शन बी सपोर्टिव कन्फ्रेसन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ट्वेंटी थ्री ईयर ओल्ड क्लाइंट हैज बिन एडमिनेटेड विथ ए डायग्नोसिस ऑफ फिजोफ्रेनिया नर्स ये इट्स मार्च मार्च इज लिटिल वमन दैट लिटल यू नो दिस स्टेटमेंट इलास्ट्रेट तो ऑप्शन है न्यूलॉजिम फ्लाइट ऑफ आइडियाज लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन इकोले और इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी लोजिंग ऑफ एसोसिएसन इस क्वेश्चन को हमने पहले भी डिस्कस किया था इसी स्लाइड में चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है अ फिस्टी ईयर ओल्ड फीमेल क्लाइंट हु लिव्स अलोन टेल्स द नर्स एट द कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आई रियली डोंट नीड एनी वन टू टॉक टू द टी वी इज माई बेस्ट फ्रेंड The nurse recognized that the client is using the defense mechanism known as often as sublimation, projection, denial, and displacement. Or the right answer of this question is denial. आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ तो वह भी सेम क्वेश्चन आ गया है पी, -पी जो है हमारा वह गलती से रिपीट हो गई है तो चलिए देख लेते हैं अ फिफ्टी ईयर ओल्ड फीमेल क्लाइंट फू लि एलो टेस्ट द नर्स एट द कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आई रियली डोंट नीड एनी वन टू टॉक टू द टी वी इज माई बेस्ट फ्रेंड द मस्ट द नर्स रिकॉगनाइज दैट द क्लाइंट इज़ यूजिंग द डिफेंस मैकेजमियल डिसप्लेसमेंट प्रोजेक्शन सब्लिमेशन और इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोग वीडियो को पास करके कमेंट बॉक्स में बताइए इसका राइट आंसर क्या है तो देखते हैं इसका जो राइट आंसर है वह है डेनियल तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच